यूं तो भारत में एक से एक प्रधानमंत्री रहे हैं, पर ऐसा क्या खास था चौधरी साहब में जो सब प्रधानमंत्रियों से उन्हें अलग बनाता है? 23 दिसंबर को हमारे चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, 121वीं जयंती है। आइए जानते हैं उनकी राजनीति, निजी जिंदगी और शादी के किस्से के बारे में। तीन किस्से हम आपको बताएंगे। आज भी लोग उन्हें, मतलब दुनिया से गए उन्हें अभी 35 साल से ज्यादा का वक्त हुआ है, लेकिन आज भी एक किसान वर्ग में वो काफी याद किए जाते हैं। उन्हें कुछ किसान नेता आज भी मसीहा का नाम देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग तो अपने इस नेता, किसान नेता को, चौधरी साहब को याद करते हुए कहते हैं, मुख्यमंत्री तो बहुत हुए लेकिन चौधरी जैसा आज तक कोई नहीं। हापुड़ में जन्मे थे ये। तीन किस्से इनके कहे जाते हैं। जो पहला किस्सा है वो सादगी से भरपूर है इनका। कम खर्चीले, सादगी पसंद करते थे हमारे चौधरी साहब। 1967 में एक किस्सा है, जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं यूपी के, तो उनके पास एक गर्म शेरवानी हुआ करती थी। शेरवानी अब उनकी फटने लग गई थी, दो जगह सुराख हो चुके थे। चौधरी साहब ने सोचा उसको रफू के लिए दर्जी के पास भेज दिया जाए। मजेदार बात ये हुई कि चौधरी साहब की शेरवानी दर्जी से खो गई। स्टाफ को पता चला तो घबरा गए। खैर, जाकर चौधरी साहब को बताया तो उन्होंने कहा, दर्जी पर गुस्सा करना ठीक नहीं। अब उन्होंने क्या किया, एक नई शेरवानी सिलवाई जो 1967 से 1978 तक उन्होंने पहनी। चरण सिंह की शेरवानी का ये किस्सा हम नहीं बता रहे हैं, एक्चुअली ये किस्सा राजेंद्र सिंह ने अपनी किताब में लिखा, जिस किताब का नाम है एक और कवि। दूसरा किस्सा इनके बारे में कहा जाता है भ्रष्टाचार के बारे में। 1979 का इटावा का किस्सा है, जहाँ पे एक बुजुर्ग दिखता है, पुलिस वालों के पास जाता है और खुद को किसान बताता है। कहता है, मेरठ से आया हूँ, बैल खरीदना था, रास्ते में जेब काट ली, जेब में कुछ रुपए थे, अब मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। अब रिपोर्ट लिखने में हेड कांस्टेबल 10 बातें पूछने लगे, फिर भी हामी नहीं भरी लिखने के लिए। किसान उदास हो गया। एक सिपाही आता है और कहता है, खर्चे पानी का इंतजाम कर सकते हो तो रपट लिखे। खैर, 35 रुपए में रपट लिखना तय हुआ। रपट लिखकर इस किसान ने दस्तखत करने के बजाय जेब से मोहर निकाल दी और लगा दी। साथ में लिखा चरण सिंह। हक्के बक्का पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। ये थे किसान चरण सिंह जी, जो भ्रष्टाचार की शिकायत पर काफिला दूर छोड़ पैदल थाने पहुंचे थे और पूरा थाना सस्पेंड कर दिया था। तीसरा किस्सा कहा जाता है, उस समय यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। फैजाबाद के एक युवा नेता थे गोपीनाथ वर्मा चौधरी। गोपीनाथ वर्मा थे जो चौधरी के पास पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने मेरी जगह एक शराब कारोबारी का नाम टिकट के लिए तय कर दिया है। चौधरी साहब ने प्रदेश अध्यक्ष रामबचन यादव से गोपीनाथ वर्मा का नाम काटने की वजह पूछी। रामबचन यादव बोले, चौधरी साहब, शराब कारोबारी ने पार्टी को 9 लाख रुपए का चंदा दिया, अब टिकट नहीं दे तो क्या करे। चौधरी साहब ने गुस्से में जवाब दिया, हम किसी शराब कारोबारी को नहीं लड़ाएंगे, जाकर उसके 9 लाख लौटा दो। शराब कारोबारी के पैसे लौटा दिए गए, शराब कारोबारी का टिकट काट दिया गया। ऐसे ही थे चौधरी साहब, जिनकी बातें और काम में कोई दोराव नहीं, जो कहते वो करते।